हेलो एवरीवन, आज जो मैं पेंटिंग करने जा रही हूँ वो सॉफ्ट पेस्टल पेंटिंग है। सॉफ्ट पेस्टल में क्या क्या हमें ज़रूरत होती है वो मैं बता देती हूँ। हमें सॉफ्ट पेस्टल कलर सेट चाहिए और पेपर स्टैम्प चाहिए, ईयरबड चाहिए, इरेजर कोई भी यूज़ कर सकते हो, कॉटन चाहिए। सॉफ्ट पेस्टल सेम है जैसे हम चारकोल पेंटिंग करते हैं। चारकोल पेंटिंग में ब्लैक एंड वाइट है, सॉफ्ट पेस्टल में कलर सेट्स आ जाते हैं। तो मेरे पास 36 सेट्स के कलर है। अब जो मैं पेंटिंग करने जा रही हूँ आप देख रहे हो वो फ्रूट्स का है। जो मेरा रेफरेंस है वो है ये है। अब इसमें मैं जो कलर सेट है वो मैं पहले ही निकाल लूँगी और उसके बाद सेम प्रोसीजर है जैसे मैं रब करके कॉटन में मिक्स करके वो अप्लाई करूँगी। तो हम कॉटन उसमें यूज़ करते हैं जो लार्जर सर्फेक्स होता है ना, तो उसमें हम कॉटन यूज़ करते हैं। ईयरबड्स जहाँ छोटे छोटे सर्फेक्स है तो वहाँ ईयरबड्स, बीच में मैं पेंसिल कलर भी यूज़ करूँगी जो इस लीफ के लिए होगा। आपके सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल भी आते हैं बहुत कॉस्टली है, इसके बजाय आप पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देखते रहना कैसे मैं कर रही हूँ। अब जो मैंने कलर सेट्स लिए हैं वो ये कलर लिए हैं, ग्रीन दो कलर सेट्स लिए हैं, एक येलो लिया है। पहले जो मेरा बैकग्राउंड रहेगा वो मैं लाइट कलर करूँगी, तो मैं येलो कलर का यूज़ करूँगी। हाँ, मैंने कुछ पेंसिल कलर का भी यूज़ किया है। अब मैं स्पॉट्स पर काम करूँगी जो मुझे डार्क ब्राउन और डार्क ग्रीन कलर चाहिए। मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो।